वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है अंडर 10 रुपीज़ फुल मेकअप, जो कि मैंने ऐसे क्रिएट करा है। सो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये मेकअप देखने के लिए, ओनली 10 रुपीज़ के अंडर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में मैं यहाँ पे जॉय स्किन फूड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि 10 रुपीज़ का है ओनली, और ये 15 ml है। हमारी नेक्स्ट चीज़ होने वाली है हमारी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो अवेलेबल था नहीं 10 रुपीज़ में, तो मुझे यहाँ पे ये मिला है एक फाउंडेशन की तरह स्टिक फाउंडेशन है ये। तो यहाँ पे SFR का कलर नॉन ग्रेजी सुपर सिल्की कवर, ये कुछ इस टाइप से है, और ये SFR का दिया हुआ है और कुछ इस टाइप से ये है। तो मैं इसको ये अप्लाई करूँगी, 10 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो मैं पूरे फेस पर इसको एज अ फाउंडेशन यूज करूंगी। ये बहुत ज्यादा थिक लग रहा है मुझको, थिक है आई मीन। और अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ये रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं इसको आप लोगों को ब्लेंड करके दिखाऊँ। ओके गाइस, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, 2-4 शेड लाइट है मेरे स्किन टोन से, बट या इतना भी नहीं है। इन्हें पूरे मतलब डार्क सर्कल्स मेरे इतने नहीं दिख रहे हैं, कवर कर लिए हैं इनने। सो मैं नेक्स्ट चीज़ अपनी पॉन्ड्स का पाउडर यूज़ करूँगी। तो मैं अपने इसको हैंड पर ले लेती हूँ, 10 रुपीज़ का पॉन्ड्स का पाउडर, एंड इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस पर कुछ इस टाइप से अपने, क्योंकि अब समर्स हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा इसको सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से कर रही हूँ, मैंने हाथ पे ले रखा है इसको। ओके सो अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं, जब तक मैं यहाँ पर ये अपनी आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये ADS की ये पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, सो मैं इससे इसको फिल करूँगी। थोड़ी ब्लैक है इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, बट आज हमारे वर्क आएगी है। मैं इसको फिल करके आपको दिखा देती हूँ। ओके तो मैंने अपनी ये फिल कर ली है, और अब ये जो मेरा पाउडर जो था मैं इसको पूरे फेस पर ब्लेंड कर लेती हूँ। ओके सो अब हमारी नेक्स्ट चीज मेरे पास जो है गाइस लिपस्टिक, एक 10 रुपीज़ की है। एक तो मेरे पास ये है जो कि ये आती कुछ ग्रीन कलर के उसमें, और जो पिंक हो जाती है बहुत ज़्यादा चलती थीम पहले, और एक ये है 10 रुपीज़ की जो कि ब्राउन है कुछ इस टाइप की, बहुत ज़्यादा छोटी सी है। तो मैं इसको तो यूज़ नहीं कर रही, इसको करूँगी मैं, और इसको पिंक को मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने क्रीज लाइन पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ ऐसे कर पिंक आप देख सकते हैं स्मॉल इतने पर। और एक और चीज़ मैं लेकर आई हूँ आईज के लिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको इसको लगा के दिखा दूँ। ओके तो मैंने इसको लगा लिया है, और अब मैं इसी सेम से अपना क्रीज लाइन बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं और क्या लेकर आई हूँ। ये एक डिब्बी है जिसमें गोल्डन कलर की ग्लिटर पड़ी हुई है, तो इसमें से मैं कुछ लूँगी कुछ इस टाइप की है। फिर इसके अंदर है प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है बट हाँ गोल्डन है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसलिए इसको थोड़ा सा ही लेंगे। और मैं इससे अपनी क्रीज लाइन बनाने की कोशिश करती हूँ कि बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी। पहले मैं इसको ब्रश की
हेल्प से लूँगी बिकॉज इसकी वैसी शेप नहीं है, तो मैं क्रीज लाइन बनाकर देखती हूँ बन जाएंगे क्या। ये लिपस्टिक पर इतना नहीं चल रहा है बट हाँ इन्हें थोड़ी बहुत शेप दे दी है, और सेम प्रोसेस मैं इस वाली आईज पर भी करूँगी। ओके तो अब मैं इस गोल्डन का यूज़ करूँगी जो कि मैं इसमें से नहीं, इसकी कैप पर बहुत सारा लग रहा है, आपको इतना दिख नहीं रहा बट ये गोल्डन बहुत सारा लग रहा है। मैं अपनी फिंगर पर ले लेती हूँ और इस फिंगर पर से ही मैं अपनी जहाँ जहाँ मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ करी है वहाँ वहाँ पर ये गोल्डन शेड लगा लेती हूँ। और ये लिपस्टिक थी तो इस पर तो आसानी से बिल्कुल सेटल हो जाएगी हमारी ये ग्लिटर। भी इधर ही करना है और ये बहुत ज़्यादा, ये 15 रुपीज़ की थी बट बार्गेन करना पड़ा मुझे तो उन्होंने दे दी मुझको 10 रुपीज़ में। इसमें की एक और थी मैक की बट वो लोकल थी, 10 रुपीज़ में कौन सी मैक की होगी, तो वो मैंने ली नहीं क्योंकि उसमें प्रोडक्ट और भी ज़्यादा कम था। और इसको मैंने कर लिया है अप्लाई। सो ये मैंने कर लिया है और अब लाइनर तो मुझे मिला नहीं 10 रुपीज़ में, तो मैं अपना सेम मेरी आईब्रो पेंसिल, तो मैं अपनी आईब्रो पेंसिल से ही लाइनर ड्रॉ करूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे पता नहीं वो तो राइट ड्रॉ, आप चाहे तो काजल से भी कर सकते हैं बट काजल से मैं नहीं कर रही। तो सेम मैं इधर, ओके गाइस तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है अपना लाइनर और मैं यही सेम ग्लिटर से अपना यहाँ पे कॉर्नर पर लगाऊंगी थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। और मुझे 10 रुपीज़ में मस्कारा मिल गया था, सो ये है वो मस्कारा। और बहुत ज़्यादा लिक्विड है ये, इतना वो नहीं है, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ा था नहीं तो ये भी मुझे पॉसिबल नहीं था 10 रुपीज़ में मिल देना, आई मीन मिलना। सो मेरा हो गया ये आई मेकअप, और आप चाहें तो मतलब आई मीन काजल लगा सकते हैं बट मैं काजल नहीं कर रही हूँ। और अब हम ब्लशर भी इसी सेम लिपस्टिक से ही करेंगे। सो यहाँ पे मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैं एज अ हाइलाइटर भी यूज करूंगी। और इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और सेम मैं इसको हाइलाइटर भी यूज करूंगी इसमें इतना। अब ओके तो ये मेरा हाइलाइटर एंड ब्लशर हो गया है,
और काजल मैं लगा नहीं रही, आप चाहें तो लगा सकते हैं काजल, और लिपस्टिक हम आप अप्लाई कर लेते हैं। और आप चाहें तो आई लैशेज भी लगा सकते हैं, आई लैशेज, बट आई लैशेज 10 रुपीज़ में नहीं मिल पाएंगी, तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, यूज़ करके दिखा देती हूँ। बस आई लैशेज एक ऐसी चीज़ है जो 10 रुपीज़ में नहीं मिल पाएगी। और एक है मेरे पास, वो 15 रुपीज़ की है, वो मेरे पास 15 रुपीज़ की है, या ये मेरे पास 15 रुपीज़ की है, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। आप चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं बाकी तो हमारा मेकअप तो हो गया है 10 रुपीज़ के अंडर अंडर। तो ये वाली आई लैशेज मैं आपको करके दिखा देती हूँ यूज़ करके। सो गाइज मैंने अपनी आई लैशेज लगा ली हैं, और यार गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ मतलब दिखाना भूल गई थी, जो कि मैं एक और चीज़ लेकर आई थी 10 रुपीज़ में, मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं 10 रुपीज़ में एक ये लेकर आई थी जो कि मैं कॉन्टोरिंग के लिए लेकर आई थी, इसका ही सेम ये है, तो मुझे भी ये 10 में ही मिला था। तो ये कुछ इस टाइप का शेड, इसका थोड़ा ब्राउन है, आप देख सकते हैं, और कुछ इस टाइप का ये कॉन्टोरिंग के लिए लेकर आई थी मैं, बट मुझे याद ही नहीं रहा करने के लिए, बट कोई नहीं, हमारा मेकअप अब कंप्लीट हो गया। तो ये 2 लेकर आई थी मैं 10 रुपीज़ में, तो आपको कॉन्टोरिंग की भी मिल सकती है। तो ये था मेरा मेकअप आज का। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।